में साक्षी मलिक और हाल में अपनी फॉर्म इन्होंने वापस हासिल की है। जून 2022 में हुई UWW रैंकिंग सीरीज इवेंट में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और कॉमनवेल्थ गेम्स में पहले गोल्ड मेडल की प्रबल दावेदार और भरपूर आशा साक्षी मलिक। कमेंट्री बॉक्स में कृपा शंकर जी के साथ मैं हूं सुनील तनेजा और पावलिना जियोर्जियो। मुझे याद है भारत में काफी सारे मैचेस में इन्होंने ऑफिशिएटिंग की है और अक्सर सोशल मीडिया पे इनसे नमस्कार होती रहती है। इनके पुत्र भी एक रेसलर हैं पावलिना के, लेकिन हमारी नजर है भारत की पुत्री पर साक्षी मलिक। क्या भारत को आठवां गोल्ड दिलवा पाएंगी? फूंक फूंक कर दोनों ही पहलवान कदम रख रही हैं, क्योंकि साक्षी ने जहां तक कॉमनवेल्थ गेम्स का सवाल है, ग्लासगो 2014 में सिल्वर जीता था 58 किलोग्राम में, उसके बाद गोल्ड कोस्ट में 62 किलोग्राम वेट कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल, तो अपने मेडल को बेहतर तो कर लिया है और आशा उसका रंग सुनहरा हो। बिल्कुल अच्छा मौका है साक्षी के पास में, फिलहाल बेहतरीन मुकाबला मिडविड ग्रिप पकड़ती हुई। मिडविड एक बहुत बड़े पहलवान हुए हैं और वो दोनों हाथों से एक हाथ को पकड़ते थे, वो ग्रिप आज उस टेक्निक का नाम ही मिडविड ग्रिप हो गया है। जैसे ईरानी टेक्निक आपने बताई थी। जी हाँ, बहुत सी टेक्निक ऐसी होती है कि उस पहलवान के या उस देश के नाम से पड़ जाती है। जैसे साइंस में कोई साइंटिस्ट किसी चीज की खोज करते हैं तो उस फॉर्मूला का नाम रख दिया जाता है। यहाँ जीत का फॉर्मूला किसको मिलेगा? साक्षी के हाथों में विरोधी के हाथ हैं और साक्षी के पास अवसर है पीछे जाके टेक डाउन बनाने का, लेकिन छूटी कैनेडियन और वापस साक्षी पे अटैक किया और ये दो पॉइंट का उनका दावा है, मिल जाएंगे गोंजालेस को दो पॉइंट और अब साक्षी को करना है मैट डिफेंस। मैट डिफेंस किया, दो ही पॉइंट लूज किए, लेकिन वेल डन है ना गोंजालेस, जिस तरह से पैसिव मुद्रा से एक्टिव में आई और दो पॉइंट लिए। देखिए अच्छा टेक किया था साक्षी मलिक ने, और कई बार क्या होता है कि पॉइंट ले लिया हमारे मन ने मान लिया और आपने मसल्स को थोड़ा सा ढीला किया, वहीं विपक्षी पहलवान पलट के वार कर देता, वो स्थिति यहाँ पे निर्मित हुई है और उसका फायदा कैनेडियन रेसलर ने ले लिया है। एना गोंजालेस कैनेडा की अंडर 23 चैंपियन रही है जूनियर स्तर की पिछले साल ही, लेकिन साक्षी की हालिया फॉर्म बढ़िया, हालांकि रियो के बाद अपनी फॉर्म और फिटनेस से काफी संघर्ष करना पड़ा साक्षी को। बिल्कुल, देश में ही बहुत सी पहलवान हैं जिन्होंने साक्षी मलिक को हराया है, तो अब ये नहीं कह सकते साक्षी मलिक डाउन गई है, हमारे देश की कुश्ती ऊपर जा रही है, ऊपर गई है और उसका बहुत सारा श्रेय साक्षी को भी जाता है, फोगाट सिस्टर्स को भी जाता है, जिन्होंने भारत में भारतीय कुश्ती के लिए एक तरह से एक नया रास्ता दिखाया, नए पहलवानों को प्रेरित किया। और जो नए प्रेरित पहलवान जब आके आपको चैलेंज करें तो समझ लीजिए कि आपका खुद का कद कितना बड़ा है और देश में ये खेल कितना बड़ा हो चुका है। और वो सारी पहलवान ज्यादातर आती हैं हरियाणा से और अब मध्य प्रदेश से भी बहुत सारी रेसलर आ रही हैं। एक और टेक डाउन की पोजीशन एना गोंजालेस, दो पॉइंट और मिलेंगे और साक्षी को फिर से अब मैट डिफेंस करना पड़ेगा। गट रेंच नहीं लगने दिया पर एना गोंजालेस दो अटैक किए, दोनों में दो दो पॉइंट मिले। आखिरी 10-12 सेकेंड है, क्या साक्षी इस पहले राउंड में खाता भी खोल पाएंगी? हालांकि 3 मिनट पूरे बाकी हैं अभी और 3 मिनट एक बहुत लंबा समय है आपके लिए वापसी करने को रेसलिंग में, पर पहला राउंड कनाडा की एना गोदिनेस गोंजालेस के पक्ष में रहा है। 4-0 से वो भारत की साक्षी मलिक पर हावी हैं। और ये पहला स्कोर जो साक्षी मलिक का टेक था, हालांकि कैनेडियन रेसलर्स ने बहुत अच्छा पलटवार किया, काउंटर अटैक किया और दोंक, ये देखिए साक्षी मलिक अपने ही दांव में उलझी, यहीं से कुश्ती खराब हो गई है। दो अंक और दिए, 4-0 पर पहुंच गया मुकाबला। साक्षी के लिए वापसी करना मुश्किल नहीं है, ओलंपिक मेडलिस्ट है, लेकिन उन्हें लगातार प्रहार करने होंगे। अब समय नहीं है कि आप डिफेंसिव खेलें, चलिए ऑफेंस और डिफेंस दोनों करने के लिए अब 3 मिनट बाकी हैं। सवाल यह है कि साक्षी कितनी जल्दी वापसी करेंगी या एना गोंजालेस इसी मुद्रा में और पॉइंट बटोरेंगी। मेडल कंफर्म है पर
हमारी आशा हमारी प्रार्थना गोल्ड के लिए है। ये साक्षी ने पहली ग्रिप बनाई है, टेक डाउन के दो पॉइंट हासिल किए हैं। पावलिना जियोर्जियू का इशारा दो पॉइंट, और अब पलट दीजिए विरोधी को, स्टेडियम की छत दिखा दीजिए, दो पॉइंट और मिलेंगे, स्कोर बराबर। और ये पिन फॉल की पोजीशन में साक्षी ला रही हैं, दोनों कंधे जमीन पर लगाइए साक्षी, एनाको स्टेडियम की छत दिखवाइए साक्षी। पिन फॉल करके साक्षी मलिक ने ये गोल्ड मेडल जीता है। 4-0 से पीछे थी, वापसी की एक ही मूव में चार पॉइंट बटोरे और उसके बाद चित कर दिया, पिन कर दिया, भारत को आठवां गोल्ड मेडल दिलवा दिया। मुबारक साक्षी, बहुत बहुत मुबारक इस बेहतरीन जीत के लिए आपको। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा दस्ती खेलते हुए डबल लेग अटैक बनाया, डेंजर पोजीशन में नहीं गिराई, टेक डाउन किया और फिर उसके बाद डेंजर किया। ये